वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। पाकिस्तान क्रिकेट पर लगा काला दाग, पूरी दुनिया में हुई पाक की बेइज्जती, बर्बाद हुआ पाकिस्तान। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल के बाद पाकिस्तान की धरती पर क्रिकेट खेलने आई। दोनों टीमों के बीच रावलपिंडी में 3 एक दिवसीय मुकाबला खेला जाना था। इसके बाद लाहौर में 5 T20 मैचों की सीरीज खेलने का कार्यक्रम भी था। न्यूजीलैंड क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में खतरे के स्तर में वृद्धि को देखते हुए और न्यूजीलैंड टीम के सुरक्षा सलाहकारों के मशवरा करने के बाद फैसला लिया गया कि न्यूजीलैंड का ये दौरा जारी नहीं रहेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड व्हाइट ने कहा कि उन्हें जो सलाह मिल रही थी उसे देखते हुए दौरे को जारी रखना संभव नहीं था। उन्होंने आगे कहा, मैं समझता हूं कि यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक झटका होगा क्योंकि वो शानदार मेजबान रहा है, लेकिन हमारे लिए खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और हमारा मानना है कि यही एकमात्र विकल्प है। वहीं दौरा रद्द होने के बाद न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिडा ऑर्डन ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान का दौरा रद्द करने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले का पूरी तरह समर्थन करती हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स को दिए गए बयान में उन्होंने कहा, मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की और हमारी टीम का ख्याल रखने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने आगे लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि खेल नहीं हो सका, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे अहम है। हम फैसले का पूरा समर्थन करते हैं। आपको बता दें, ये रमीज राजा के पीसीबी अध्यक्ष बनने के बाद पहली सीरीज थी। उन्होंने ट्वीट किया, बहुत ही अजीब दिन है, क्रिकेट फैंस और खिलाड़ियों के लिए दुखी हूँ। सुरक्षा खतरे पर एक तरफा फैसला लेकर दौरे से बाहर होना बहुत निराशाजनक है, खासकर जब इसकी जानकारी नहीं दी गई। न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रहा है, ICC में न्यूजीलैंड को सुनाना होगा। आपको बता दें, पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के इस फैसले को एक तरफा और निराशाजनक बताते हुए उनकी सुरक्षा टीम सुरक्षा प्रबंधों से संतुष्ट थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट किया, आज न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने हमें सूचित किया है कि उन्हें कुछ सुरक्षा अलर्ट को लेकर सतर्क किया गया था और इस सीरीज को रद्द करने को एक तरफा फैसला लिया गया। वहीं इन सबके बाद पाकिस्तान पर पूरी दुनिया थू-थू कर रही है। लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम और उनके PM पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भैया वहां तो एक सिर्फ मैच ही नहीं करा सकते, ये है पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान में कोई टीम इतने सालों बाद खेलने जाती है, बड़े मनाने के बाद पाकिस्तान किसी टीम को अपने यहाँ बुला पाता है और फिर ऐसी हरकत हो जाती है। अब आप सोच लीजिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड दौरा रद्द होने पर कहा, अचानक सीरीज स्थगित किए जाने से बहुत निराश हूँ। ये लाखों पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता था। मुझे अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, वो हमारे गौरव है और रहेंगे। वहीं पूर्व क्रिकेटर शुएब अख्तर ने ट्वीट किया, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट को मार डाला। वहीं वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने इसे निराशाजनक फैसला बताया और कहा कि मैं बीते 6 सालों से पाकिस्तान में खेल रहा हूं और खुद को सुरक्षित महसूस करता रहा, वहां खेलना मेरे लिए बहुत बढ़िया है अनुभव रहा। ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें, इन सब से पाकिस्तान को 200 करोड़ का झटका भी लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड टीम ने बीच मैच में या फिर कहें बीच सीरीज में पूरी तरीके से सीरीज को कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे और वहां से चले गए, इन सब को लेकर पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।